हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जब भी आप बाथरूम का दरवाज़ा बनाते हो तो चौखट हमेशा ग्रेनाइट की बनाएं, क्योंकि पानी लगता है तो पानी से लकड़ी की जो चौखट रहती है वो ख़राब होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ग्रेनाइट की बात करें तो इसके अंदर जो आपका बजट रहता है, चाहे 60 रुपये वाला हो, 100 रुपये वाला, 150 वाला हो, 125, वो आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा ग्रेनाइट लगा रहे हो। जी हाँ, बाथरूम के अंदर की बात करते हैं अपन तो यहाँ पर 18-12 वोल्ट टाइल्स, वाटरप्रूफ टाइल्स बाथरूम के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटिंग किया हुआ है, जिसकी हाइट की बात करें तो फुल हाइट तक, जहाँ तक दीवार है 11, 11.5, 12 फीट, जहाँ देख ये देख सकते हैं आप अंतिम दीवार तक टाइल्स लगाएंगे। देखिए, टाइल्स लगाने से सफाई ईजी हो जाती है और बाथरूम आपका क्लीन दिखता है, एक जैसा दिखता है, आपको कलर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फ्रेश दिखता है और अच्छा दिखता है दिखने में भी। इसलिए जब भी अगर आप बाथरूम में टाइल्स लगा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप 3 फीट 4 फीट हाइट तक ही बाथरूम में टाइल्स लगाएं, ऐसा नहीं करें। टॉयलेट हो या बाथरूम, फुल हाइट तक आप जरूर टाइल्स लगाएं। चलिए बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पर 4.5 फीट यानी कि 4 फीट की हाइट तक डार्क यहाँ पर टाइल्स लिया हुआ है, जैसा कि ये देख सकते हो, और एक टाइल्स लाइट लगाकर, फिर 2 हाईलाइट लगाकर, यहाँ पर फिर लाइट टाइल्स लगाकर इस प्रकार का बाथरूम इसको डिजाइन किया। और बाथरूम के ऊपर OTS दे रखा है, जहाँ आपको जैसा कोई दिक्कत नहीं, OTS में भी आप देख सकते हैं ग्रेनाइट यहाँ पर लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस OTS में यहाँ पर ग्रेनाइट लगाया हुआ है। अटैच बाथरूम है इसके अंदर, तो 1-पीस टॉयलेट सीट यहाँ पर लगाई हुई है और 1-पीस टॉयलेट सीट के साथ हेल्थ प्रोसेट यहाँ पर लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल वॉल लगाया हुआ है और एंगल वॉल को फिटिंग करके यहाँ पर हेल्थ प्रोसेट, जो आपको सबसे ज़्यादा बाथरूम में आपके यूज आता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हेल्थ प्रोसेट पानी अभी बंद है। और 1 पीस की बात करें तो हाइड्रोलिक शीट कवर के साथ आपको 1 पीस उपलब्ध मिल जाता है, जैसा नवरंग सिरामिक मंगलवार से आपको 1 पीस परचेस करते हो तो 4,000 रुपये से लेकर आपको 4.5-5, जिसमें सेरा, सोमानी और हिंगवेयर जैसी ब्रांड आपको उपलब्ध मिलती है, जिसकी रेट की बात करें तो MRP से आपको 25% लेस उपलब्ध मिलता है। 9.5-10 हज़ार में आपको सेरा जैसी ब्रांड उपलब्ध मिल जाती है। बाथरूम की बात करें तो यहाँ पर कंसील्ड लगाए हुआ है शावर के लिए, शावर ओनो के लिए, और शावर आप देख सकते हैं 6x6 का यहाँ पर स्टोर शावर यहाँ पर फिटिंग किया हुआ है। और रोड की बात करें तो यहाँ पर 15 इंच की रोड यहाँ पर ली हुई है और 2 बिग कॉक यहाँ पर लगाए हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फ्लोरिंग की बात करें तो 16x16 की टाइल्स यहाँ पर फ्लोरिंग में फिटिंग की हुई है। वेस्ट पानी जाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जाली है वो लगाई हुई है। अगर आप नया मकान बना रहे हो तो यहाँ पर आप कॉन्क्रीट जाली भी लगा सकते हो, ताकि बाथरूम के अंदर कोई गंदगी जाए तो गंदगी कॉन्क्रीट जाली में रुक जाए, ताकि आपका बाथरूम चौखट नहीं हो, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सेल्फ की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्रेनाइट की एक सेल्फ लगाई हुई, जो आपका बाथरूम में जो एक्स्ट्रा सामान रहता है, साबुन, तेल, शैम्पू, वो यहाँ पर आप रख सकते हो। अगर आप स्टील की कोई सेल्फ लगाते हो तो वो मेंटेनेंस खराब बहुत दिखती है, लेकिन ग्रेनाइट का पत्थर अगर आप लगाते हो तो आपको खराब भी नहीं दिखता और इजी वॉश भी हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातों का जरूर आप बाथरूम में लगाते समय ध्यान रखें, ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं आए। मार्बल टाइल्स ग्रेनाइट में ये प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।